मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन आउटरीच सत्र के लिए आमंत्रित किया है। इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। रक्षा, भारत पर ध्यान केंद्रित करने के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत करने वाला 18वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। इटली इस साल G7 का अध्यक्ष है और 13 और 14 जून को G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। वहीं इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने 14 जून को पुगलिया में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया। बता दें कि दोनों देशों की पिछले साल राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। पीएम मोदी ने अक्टूबर 2021 में G20 शिखर सम्मेलन के लिए इटली का दौरा किया और इतालवी पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने मार्च 2023 में राजकीय यात्रा पर भारत का दौरा किया और रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे। वह G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत आई थी। निर्मितमैन भारत राज्यांगं पट्ल నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచునని లేదా వెల్లడించని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। नायडू के अलावा पवन कल्याण समेत 25 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रही। शपथ ग्रहण के बाद चंद्रबाबू नायडू और पीएम मोदी एक बार फिर से गर्मजोशी के साथ मिले। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सीएम चंद्रबाबू नायडू को शुभकामनाएं दी है। आज दिन है क्योंकि यहाँ की जनता देखी मैंने बहुत काफी खुश है और चंद्रबाबू नायडू जी ने आज चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हुई है। एक उनकी हिस्टोरिकल विक्ट्री है, क्लीन स्वीप उन्होंने इस चुनाव में किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी, गृहमंत्री जी भी, सभी लोग उपस्थित थे, नड्डा जी थे और बहुत ही शानदार ये ओथ सेरेमनी जो है वो हुआ है। और निश्चित रूप से एक ये भी बात है कि यहाँ तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू जी और उनके सभी सहयोगी उन्होंने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की है, क्लीन स्वीप कर दिया है और केंद्र सरकार में आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने इसलिए भी उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। ये भी बड़ी बात है हमारे लिए। हम सब एनडीए के सब घटक मेंबर हैं और हम सब लोग मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए, सब लोग उनको हाथ मजबूत करने के लिए, जैसे शिवसेना पार्टी महाराष्ट्र से वैसे आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू और उनके सभी सहयोगी, इन्होंने भी एक देश के लिए मोदी जी को सपोर्ट किया है। इसलिए मैं चंद्रबाबू जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण को बधाई दी। कांग्रेचुलेशंस टू द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल श्री चंद्रबाबू नायडू जी एंड ऑल्सो पवन कल्याण जी। बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग टू लीड द स्टेट
एंड आई थिंक एक्सटेंड माई हार्टिएस्ट ग्रीटिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ माई पार्टी अपना दल टू दी पार्टी काडर ऑफ तेलुगु देशम पार्टी एंड जनसेना एंड ऑल्सो दी भारतीय जनता पार्टी हु हैव वर्क वेरी हार्ड टू विन दिस इलेक्शन एंड ऑल द पीपल हु हैव बीन सोन इन टूडे हु विल बी पार्ट ऑफ द न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर दे विल डू वेरी गुड वर्क फॉर द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद ही चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं अगर केंद्र की बात करें तो टीडीपी ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया है। इस लोकसभा चुनाव में टीडीपी को 16 सीटें मिली हैं, जो कि बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा है। केंद्र में अब टीडीपी के सांसदों को मंत्री भी बनाया गया है। श्री मोहन चरण माझी ईश्वरंक नामरे शपथ करूअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिबी, ओडिशा राज्यर मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतरकरणरे निर्वाह करिबी एवं बिना भय बा पक्षपातरे बिना अनुराग बा देशरे सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसारे न्याय प्रदान करिबी। मु श्री मोहन चरण माझी ईश्वरंक नामरे शपथ करूअछि जे जेऊं विषय राज्यर मुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजीव बा मते ज्ञात हब ताहाकु एपरी मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरी आवश्यक हब तत् भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मानंकु जणाइबी नाही बा प्रकट करिबी नाही। ओडिशा में पहली बार भाजपा की सरकार बनी। केओंझर से विधायक मोहन चरण माझी ने आज भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ केवी सिंह देव और प्रभाती परिदा ने राज्य के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। इसी के साथ ओडिशा में पहली बार एक सीएम, दो डिप्टी सीएम और 13 मंत्रियों की सरकार बनी। इस कार्यक्रम को भुवनेश्वर के जनता मैदान में आयोजित किया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन चरण माझी के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भुवनेश्वर भी पहुंचे। एयरपोर्ट पर ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास और स्वयं मोहन चरण माझी ने पीएम मोदी का स्वागत भी किया। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी शपथ समारोह में मौजूद रहे। पूर्व सीएम नवीन पटनायक भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को इस बारे में जानकारी दी। संसदीय कार्य मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून 2024 से 3 जुलाई 2024 तक नव निर्वाचित सदस्यों के शपथ, अध्यक्ष के चुनाव, राष्ट्रपति के अभिभाषण और इस पर चर्चा के लिए बुलाया जा रहा है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और अगले 5 सालों के लिए नई सरकारी कामकाज की रूपरेखा पेश करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी 27 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद में अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आक्रामक विपक्ष द्वारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश की जा सकती है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। केरल के वायनाड लोकसभा सीट से शानदार जीत हासिल करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को केरल पहुंचे, जहां उन्होंने मलप्पुरम के एडवन्ना में रोड शो किया। इस दौरान भारी संख्या में यूडीएफ कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे, जिन्होंने राहुल गांधी के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। मलप्पुरम के साथ ही राहुल गांधी ने वायनाड का दौरा कर एक जनसभा को संबोधित किया। I can tell you that the government that has been formed in Delhi is a crippled government. ഞാൻ പറയാ നിങ്ങളോട്, ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു ഗവൺമെന്റ് അല്ല, പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ്. The opposition has dealt a fatal blow to the BJP. ബിജെപിക്ക് കഠിനമായ ഒരു അടിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
and you will see that even Mr. Narendra Modi's attitude will have to change. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട്, നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സമീപനം മാറണം, മാറേണ്ടിയിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ബിക്കോസ് ദി പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാവ് സെൻറ്റ് ഹിം എ ക്ലിയർ മെസ്സേജ്. കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു സന്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രം അവർ പെർസ്പെക്ടീവ് അവർ റോൾ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ വിൽ കണ്ടിന്യൂ. നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ പങ്ക്, ഉത്തരവാദിത്വം അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. വി പ്രപ്പോസ്ഡ് an alternative vision for the people of India, a pro poor compassionate vision, and we will fight for that vision. ee rajyathe janangalkku munpil ee rajyathinte vikasanathinu vendiyittulla oru badal darshanam Indian National Congress avadhirippichu. sahanubhoodiyulla karunyamulla ee rajyathe janangalode daridrayodu chernu nilkuna oru darshanam adinu vendi aa kaalshapadinu vendi njangal porudikondeyirikkum. We are committed to making India a fairer society, a more productive society. കൂടുതൽ ഉൽപാദനക്ഷമമായ, കൂടുതൽ ന്യായയുക്തമായ ഒരു സമൂഹമായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തുടർന്നും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ബതാ ദേ കി ലോക്സഭാ ചുനാവ് നതീജോ കെ ബാദ് രാഹുൽ കാ രാജ്യമേ ഹേ പെഹല ദൗറാ ഹേ. വയനാട് സേ രാഹുൽ ഗാന്ധി നേ ലഗാതാർ ദൂസരി ബാർ ശാൻദാർ ജീത് ദർജ് കി ഹേ, ജിസ്കെ ബാദ് വെഹ ലോഗോ കാ ആഭാർ ജതാനേ കേ ലിയേ യഹാ പഹുഞ്ചേ. മലപ്പുറം മേ ഭീ ഉനോനേ സഭാ കോ സംബോധിത് കിയാ. ഇസ് ദൗറാൻ മഞ്ച് പർ മൗജൂദ് സഭീ നേതാവോ നേ ഉൻകാ ജോർദാർ സ്വാഗത് കിയാ. വഹീ രാഹുൽ ഗാന്ധി നേ അപ്നി പ്രചണ്ഡ ജീത് കേ ലിയേ ലോഗോ കാ शुक्रिया अदा किया. लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट से शानदार जीत हासिल करने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने करहल सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है. साथ ही यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है. अब करहल विधानसभा पर उपचुनाव कराया जाएगा. बताया जा रहा है कि इसके लिए मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया जा सकता है. वहीं नेता प्रतिपक्ष पद के लिए शिवपाल यादव के नाम की चर्चा है. बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव हालिया लोकसभा चुनाव में कन्नौज संसदीय सीट से चुनाव जीते हैं, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में वह मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे. विधानसभा में फिलहाल उनके पास नेता प्रतिपक्ष का दायित्व था. यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से सपा 37 सीटों पर जीत कर लोकसभा में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद महाराष्ट्र की बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की महायुति गठबंधन में अपरार बढ़ती जा रही है. बीजेपी के गठबंधन सहयोगी शिवसेना के प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही अब उसे ताने मारने लगे हैं. वह राज्य में सत्ताधारी गठबंधन के खराब प्रदर्शन के लिए बीजेपी के 400 पार के नारे को जिम्मेदार बताने लगे हैं. एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के 400 पार वाले पर तंज कसते हुए कहा, बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया और लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा, लेकिन कुछ इलाकों में इसे लेकर नेगेटिव नैरेटिव सेट किया गया. संविधान बदल दिया जाएगा और 400 पार के लक्ष्य को इससे जोड़ दिया गया. में जो मोदी जी ने काम किया, मोदी जी अभी तीसरी बार 10 साल में जो काम किया मोदी जी ने, हमने देखा है कि इतने निर्णय उन्होंने लिए कि पिछले 50-60 सालों में निर्णय नहीं हुए थे, उतने निर्णय 10 साल में हुए. लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है. महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है. संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था. लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी. लेकिन मोदी जी को देश की सेवा करने वाले हैं, मोदी जी ने अपना जीवन जो देश को समर्पित किया है, और 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं लेने वाला प्रधानमंत्री कौन है, तो उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है. तो इसलिए आज हम चाहते हैं कि फिर एक बार, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने. हमारा एक राज्य सरकार का भी एक बहुत बड़ा योगदान उनके सरकार में है, हम पुराने साथी है. वही शिंदे के इन बयानों को प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में भी देखा जा रहा है. दरअसल महाराष्ट्र में शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की लोकसभा में 7 और राज्यसभा में 1 सांसद है. शिवसेना के कई नेता भी मोदी कैबिनेट में जगह न मिलने को लेकर हाल के दिनों में नाराजगी जता चुके हैं.